गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी क्लास फोर्थ ईवीएस चैप्टर 7 टिथ एंड टंग। यानी आज हम क्लास फोर्थ ईवीएस में चैप्टर 7 टिथ एंड टंग यानी दांत और जीभ से संबंधित चैप्टर है स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। और टिथ आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारे टिथ होते हैं, दांत होते हैं। दे गिव प्रॉपर शेप टू अवर फेस, दांत जो होते हैं वो गिव प्रॉपर शेप यानी एक पूरा प्रॉपर शेप देते हैं हमारे फेस को, हमारे चेहरे को। विदाउट टीथ के हमारा जो फेस है उसका कोई शेप नहीं बनता है, तो हमारे जो फेस है उसका शेप नहीं बनता है। तो फेस का प्रॉपर शेप बनाने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है। दांत जो होते हैं वो हमारे फेस को एक प्रॉपर शेप, एक आकार प्रदान करते हैं। दे हेल्प अस इन बाइटिंग एंड च्यूइंग फूड। दूसरा इसका इम्पोर्टेंस ये है कि दांत जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी इन बाइटिंग यानी काटने में एंड च्यूइंग यानी चबाने में। फूड भोजन को चबाने और काटने में वो हमारी हेल्प करते हैं। दे हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। और इसके अलावा दांत जो है वो हमारे क्लियरली बोलने में भी हेल्प करते हैं, यानी दांतों की का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है जब हम कोई भी चीज़ बोलते हैं। विदाउट दांत के हमारी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं होगी। देर आर मैनी वर्ड्स दैट वी कैन नॉट से विदाउट अवर टीथ। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम हमारे दांतों के बिना जो है वो क्लियरली नहीं कह पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे बोलने में, क्लियर बोलने में दांतों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। स्टार्ट करते हैं। टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ। टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ यानी कुछ हमारे जो टीथ होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं और कुछ परमानेंट होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। ए न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ। एक बच्चा जब जन्म लेता है, नवजात होता है, तो उसके कोई दांत नहीं होता है। तो ए न्यू बॉर्न बेबी, एक नया बच्चा जिसने अभी जन्म ही लिया है, डज नॉट हैव एनी टीथ, उसके एक भी दांत नहीं होता है। वैन द बेबी इज 6 to 7 मंथ्स ओल्ड, जब वही बेबी 6 या 7 मंथ्स का हो जाता है, टीथ बिगिन टू अपीयर, तो जो दांत होते हैं वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं। बाई द एज ऑफ 3, और जब वो 3 ईयर्स का हो जाता है, द चाइल्ड हैज ए सेट ऑफ 20 टीथ, तो उस बच्चे के 20 दांतों का एक सेट आता है, यानी उसके मुंह में 20 दांत होते हैं 3 ईयर्स तक। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। ये जो सेट होता है 20 टीथ का एक बच्चे में, 3 साल के बच्चे में, उसे मिल्क टीथ यानी दूध या दांत, दूध के दांत, या फिर टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। टेम्परेरी इसलिए कि ये परमानेंट नहीं होते हैं, कुछ समय के बाद में ये टूट जाते हैं। व्हेन द चाइल्ड इज 6 ईयर्स ओल्ड, जब बच्चा 6 ईयर्स का हो जाता है, इट स्टार्ट्स लॉसिंग दीज मिल्क टीथ, तो उसके जो ये मिल्क टीथ होते हैं, जो टेम्परेरी टीथ हमने 20 टीथ का सेट पढ़ा था ऊपर, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। एज द मिल्क टीथ फॉल आउट, और जैसे ही जो ये मिल्क टीथ गिरते हैं, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस, तो उस जगह पर जहाँ से ये मिल्क टीथ टूटते हैं उस जगह पर नए टीथ जो है, दांत जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। दिस न्यू सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। अब जो टीथ न्यू आ रहे हैं उन टीथ के सेट को क्या बोलेंगे, परमानेंट टीथ बोलेंगे। यानी अब 6 ईयर्स के बाद में जो मिल्क टीथ होते हैं वो धीरे धीरे करके टूटना शुरू होते हैं, और उनकी जगह पे जो नए टीथ आते हैं उनको परमानेंट टीथ बोलते हैं, क्योंकि वो अब कहीं नहीं टूटने वाले हैं, वो परमानेंट होते हैं। बाई द टाइम, समय के अनुसार, द चाइल्ड इज 12 to 13 ईयर्स ओल्ड, और समय के दौरान जब बच्चा 12 या 13 ईयर्स का हो जाता है, ओल्ड परमानेंट टीथ ग्रो, तो सारे जो परमानेंट टीथ है वो ग्रो हो जाते हैं, आ जाते हैं। मिल्क टीथ सारे है जो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, और उनकी जगह पर सारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं। जनरली देर आर 28 परमानेंट टीथ, सामान्य रूप से जो है वो परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 28। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 टीथ का सेट होता है और परमानेंट होता है 28 का। द लास्ट 4 टीथ आर नोन एज विजडम टीथ, और जो 28 टीथ होते हैं जो परमानेंट टीथ होते हैं, उसके अलावा 4 टीथ और हैं जिनको हम विजडम टीथ कहते हैं, यानी बुद्धि के दांत बोलते हैं,
यानी वो दांत आने का मतलब है अब व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान हो गया है। तो उन चार दांतों को विजडम या बुद्धि बता के दांत बोलते हैं। दीज टीथ कम आउट फ्रॉम बिटवीन द एजेज ऑफ 20 एंड 30। ये जो चार दांत होते हैं जिनको विजडम टीथ पढ़ा था हमने, ये जो हैं वो 20 से 30 यानी 20 ईयर्स के बाद में और 30 ईयर्स से पहले आने शुरू हो जाते हैं, यानी 20 और 30 ईयर्स के बीच में आते हैं ये चार दांत, जिन्हें हम अक्कल जाड़ बोलते हैं। Therefore, adults have a set of 32 teeth, और इस दौरान जो है वो adults का एक सेट बन जाता है 32 टीथ का, यानी 28 परमानेंट टीथ होते हैं और चार जो हैं वो 20 और 30 ईयर्स के बीच में आते हैं, तो ये चार मिलकर हो गए 32 ईयर्स। तो 32 टीथ हो गए, 32 टीथ जो है वो एक पूरा सेट हो गया एक एडल्ट व्यक्ति का। और 16 इन द अपर जो 16 जो होते हैं वो ऊपर वाले जबड़े में होते हैं एंड 16 इन द लोअर जो, और 16 जो होते हैं वो नीचे वाली साइड में होते हैं। 16 32 हो गए। व्हेन वी लॉस एनी टीथ ऑफ दिस सेट, इस 32 टीथ के सेट का अगर हम कोई भी एक दांत खो देते हैं, वी डू नॉट गेट ए न्यू वन इन इट्स प्लेस, तो उसकी जगह पर हमें कोई भी नया दांत नहीं मिलेगा, यानी वहाँ पर अब नया दांत नहीं आएगा, ये लास्ट था। तो ये जब 32 टीथ या परमानेंट टीथ हमारे मुंह में होते हैं आ जाते हैं, उसके बाद में अगर हम किसी दांत को खो देते हैं तो वो दांत वापिस नहीं आता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ, एक दांत का स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बना हुआ है। When we open our mouth, जब हम हमारा मुंह खोलते हैं and look in a mirror, और एक mirror दर्पण या कांच के अंदर देखते हैं, we see our teeth, तो हमें हमारे दांत दिखाई देते हैं। Teeth are hard, ये जो है वो hard होते हैं, strong मजबूत होते हैं, and bony structure, और एक जो है वो हड्डी के structure के होते हैं, bony structure के, fixed firmly in the upper and lower jaw, जो कि fix किए हुए होते हैं ऊपर और नीचे के जबड़ों में। Our teeth grow out of our soft pink gums. Gums बोलते हैं दंत पल्ली जो होती है उसको, तो gums यानी दंत पल्ली या जिसको हम मसूड़ा बोलते हैं। तो टीथ जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और बोनी स्ट्रक्चर के होते हैं, जो कि फिक्स किए गए होते हैं ऊपर और नीचे के जबड़े में। Our teeth grow out of our soft pink gums, हमारे जो सॉफ्ट कोमल से पिंक सेप का जो मसूड़ा होता है उसमें से ये ग्रो होते हैं। गम्स होल्ड ओवर टीथ, और ये जो हमारे मसूड़े होते हैं ये दांतों को होल्ड करके रखते हैं। ओनली ए पोर्शन ऑफ द टीथ कैन बी सीन, और केवल एक ही पोर्शन जो होता है वो हमें दांत का दिखाई देता है, बाकी जो हमारे जो मसूड़े होते हैं गम्स होते हैं दंत पल्ली उसमें रहते हैं। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिया गया है, ये दांत का एक स्ट्रक्चर है ए टूथ का, इसमें ये जो ऊपर क्राउन है ये ही हमें दिखाई देता है, बाकी का जो ये रूट होती है ये हमारे मसूड़ों के अंदर होल्ड होती है। द पोर्शन ऑफ द टीथ सीन अबो द गम इज कॉल्ड द क्राउन, वह पोर्शन टीथ का जो हमें दिखाई देता है उसे बोलते हैं क्राउन, उसे बोलते हैं क्राउन यानी कवर ऊपर का दांत का। और द पोर्शन ऑफ द टूथ इन साइड द गम, और जो कि मसूड़े के अंदर का पोर्शन होता है दांत का, विच वी कैनॉट सी, जिसे हम देख नहीं पाते हैं, इज कॉल्ड द रूट, उसको जड़ बोलते हैं दांत की, रूट बोलते हैं। ए टूथ हैज एन आउटसाइड वाइट कवरिंग कॉल्ड इनेमल, हमारा जो टूथ होता है उसके आउटसाइड बाहर की तरफ वाइट कवरिंग होती है, जिसे हम इनेमल या जो है वो दंत बल्क बोलते हैं। इनेमल यानी दंत बल्क होता है, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में, दांत के स्ट्रक्चर में ये जो वाइट कलर का जो कवरिंग है इसको बोलते हैं इनेमल। दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल अगर कोई होता है तो वो यही होता है, ठीक है, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वो ये है। द नेक्स्ट लेयर इन साइड द इनेमल, इनेमल के अंदर की जो नेक्स्ट लेयर होती है, जैसा कि ये वाली दी हुई है, दैट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द टूथ, जो कि टूथ का मेन पार्ट होती है, इज कॉल्ड डेंटिन, इसको डेंटिन बोलते हैं, ये
ये रहा इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि ये इनेमल के नीचे के पार्ट का जो ये फॉर्म है ये इसे डेंटिन बोलते हैं। द सेंटर ऑफ ईच टीथ इज कॉल्ड प्लप, और हर टीथ का जो सेंटर होता है यानी ये ऊपर का भाग या नीचे का भाग बीच का ये जो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है इसे बोलते हैं प्लप यानी गुदा, प्लप यानी गुदा बोलते हैं इसको। द प्लप इज सॉफ्ट एंड हैड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन इट, जो प्लप होता है वो सॉफ्ट होता है और उसके अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स होती है और नर्व्स होती है, नसें होती है। दीज ब्लड वेसल्स प्रोवाइड फूड टू द टीथ, ये ब्लड जो वेसल्स होती है इनका काम क्या होता है, ये जो है हमारे दांतों को जो है वो खाना या फूड जो है वो प्रदान करती है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ टीथ, अब दांतों के प्रकार क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। When we look at our teeth in the mirror, जब हम हमारे दांतों को मिरर में देखते हैं, we see that they are of different size and shapes, तो हमें दिखता है कि वो अलग अलग साइज के और अलग अलग शेप्स के होते हैं। There are four kinds of teeth, यहाँ पर जो है वो four kinds बताए गए हैं टीथ के, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो होता है incisors, सबसे पहला है incisors, इनको छेदक बोलते हैं। These are four फ्रंट टीथ इन ईच जो, ये हमारी जो जबड़ा होता है ऊपर और नीचे का उसमें आगे के फ्रंट के जो चार दांत का सेट होता है वो होते हैं, ऊपर के और नीचे के जो चार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनसाइजर बोलते हैं। दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेज, इनके जो एजेज होते हैं किनारे जो होते हैं वो शार्प स्ट्रेट होते हैं यानी ये तीखे होते हैं, इसीलिए इनको छेदक भी बोलते हैं। दे आर यूज टू कट एंड बाइट फूड, ये भोजन को काटने में और कट एंड बाइट यानी काटने में काम आते हैं, भोजन को सबसे पहले इन्हीं से काटा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ, इनको कटिंग टीथ भी बोलते हैं। ये रहा स्ट्रक्चर में दिखाए गए हैं 1, 2, 3, 4, ये जो चार दांत का सेट होता है इन्हें इनसाइजर बोलते हैं और ये दोनों जो में होते हैं हमारे। फिर है कैनियंस, कैनाइंस, कैनाइंस का मतलब होता है छिद्रंत यानी देयर आर टू कैनाइंस इन ईच जो, हर जो के अंदर टू कैनाइंस होते हैं, ये जो इंसाइजर थे इनके नेक्स्ट इधर और इधर, ये जो दो दांत का सेट है इन्हें कैनाइंस बोलते हैं, छिद्रंत बोलते हैं इनको। दे आर प्रजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसाइजर, जो इंसाइजर का जो सेट पड़ा था हमने फोर टीथ का, उनके दोनों साइड जो वन वन टीथ होता है उन्हें कैनाइंस बोलते हैं। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड लाइक ए फोर्क, दे आर वेरी शार्प, ये बहुत नुकीले होते हैं एंड पॉइंटेड लाइक ए फोर्क, और एक फोर्क यानी कांटे के समान होते हैं। दे हेल्प इन टीयरिंग फूड, दे हेल्प इन टीयरिंग फूड यानी ये भोजन को जो है वो टुकड़े करना या फाड़ना उसमें काम में आते हैं, हेल्प करते हैं ये। फॉर दिस रीजन, इस रीजन के कारण दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ, इनको टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। थ्री नंबर जो टाइप है वो है प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स यानी अग्रदाड बोलते हैं इसको। ये रहा ये सेट दिए हुए टू टू टीथ का होता है, दो इधर यानी कैनाइंस के नेक्स्ट टू टीथ दोनों साइड के जो होते हैं नीचे और ऊपर उन्हें प्रीमोलर्स कहते हैं। देयर आर फोर प्रीमोलर्स इन ईच जो, हर जबड़े में फोर प्रीमोलर्स होते हैं, इसका मतलब चार नीचे और चार ऊपर। दे आर नेक्स्ट टू कैनाइंस, और ये कैनाइंस जो टीथ होते हैं ऊपर जो पढ़ा था हमने उनके आगे वाले होते हैं। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ, ये जो होते हैं वो थोड़े से मोटे और फ्लैट होते हैं। दीज टीथ हेल्प अस इन क्रैकिंग फूड, ये भोजन को क्रैकिंग करने में यानी पीसने या उसमें दरार देने में काम में आते हैं, उसको छोटा करने में काम आते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ, इसलिए इनको क्रैकिंग टीथ भी बोलते हैं। लास्ट जो टाइप है वो है मोलर्स, देर आर सिक्स मोलर्स इन ईच जो, ये जो इस साइड के थ्री टीथ और इस साइड के थ्री टीथ है जो कि प्रीमोलर से नेक्स्ट वाले होते हैं
इन्हें मोलर्स बोलते हैं। ये 6 टीथ का सेट होता है। दे आर नेक्स्ट टू प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर्स के आगे वाले होते हैं। दे आर ब्रॉडर देन प्रीमोलर्स, और ये प्रीमोलर्स जो होते हैं उनसे भी थोड़े मोटे होते हैं। दे हेल्प अस इन ग्राइंडिंग द फूड, ये भोजन को ग्राइंडिंग यानी घिसना या उसका चूर्ण बनाने में काम आते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, इनको इसीलिए है जो ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं। ये रहा, ये पूरा एक जो का अपने को स्ट्रक्चर दिया हुआ था यहाँ पर दिया हुआ। ये इनसाइजर टीथ है जो कि ये देखो सीजर है, उस शेप में होते हैं, ये उस टाइप के होते हैं। कैनाइंस जो है हमने ऊपर पढ़ा था कि ये फोक जैसा होता है, और ये प्रीमोलर्स और ये मोलर्स। फिर है टूथ डिके, यानी दांतों का जो सड़ना होता है उसके बारे में, दांतों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स पैदा होती है उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। व्हेन वी ईट स्मॉल बिट्स ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन अवर टीथ, व्हेन वी ईट, जब हम कुछ खाते हैं तो स्मॉल बिट्स, छोटे जो टुकड़े होते हैं खाने के वो फूड यानी भोजन के, गेट स्टक बिटवीन अवर टीथ, हमारे दांतों के बीच में जो है वो चिपक जाते हैं या फंस जाते हैं। स्टक का मतलब होता है फंसना या चिपकना, तो वो दांतों के बीच में चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं। समटाइम्स दीज स्मॉल बिट्स ऑफ फूड आर नॉट रिमूव्ड व्हेन वी डू नॉट ब्रश, समटाइम यानी कई बार जब हम ब्रश नहीं करते हैं तो दीज स्मॉल बिट्स, ये जो छोटे टुकड़े होते हैं वो फूड भोजन के होते हैं, जो टुकड़े होते हैं छोटे, आर नॉट रिमूव्ड, वो निकल नहीं पाते हैं व्हेन वी डू नॉट ब्रश और टीथ केयरफुली, जब हम दांतों को अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं कभी कभी, तो ये जो छोटे टुकड़े होते हैं खाने के, जो खाने के दौरान हमारे दांतों के बीच में फंस गए थे, वो रिमूव नहीं हो पाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। दिस स्टक फूड रूट्स एंड ओवर टीथ गेट कवर्ड विथ ए थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स, दिस स्टक फूड, ये जो फंसा हुआ भोजन होता है रूट्स एंड ओवर टीथ गेट कवर्ड, ये जमा हो जाता है और हमारे जो टीथ होते हैं वो कवर हो जाते हैं विथ ए थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स, यानी एक पतली सी, और स्टिकी का मतलब होता है चिपकने वाली, चिपचिपी जिसको हम बोलते हैं, लेयर यानी परत ऑफ जर्म्स, जर्म्स की एक पतली चिपचिपी परत जो है वो हमारे दांतों को ढक लेती है। दिस स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड, दिस स्टिकी लेयर यानी ये जो चिपचिपी परत जो होती है इसको जो है ऑफ जर्म्स, जो जर्म्स की होती है इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, प्लाक, फ्लाक, फ्लाक कहा जाता है इसको, इसका मतलब होता है दांत का मेल, प्लाक का मतलब होता है दांत का मेल, यानी ये जो लेयर होती है पतली चिपचिपी सी दांतों के ऊपर जो ब्रश नहीं करने के कारण जम जाती है, इसको दांतों का मेल या प्लाक कहते हैं। दिस प्लाक रिएक्ट्स विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एसिड, दिस प्लाक यानी ये जो दांतों का मेल होता है रिएक्ट्स विद द शुगर, ये शुगर से क्या करती है, रिएक्ट करती है प्रेजेंट इन द फूड जो भोजन में होती है टू प्रोड्यूस एसिड, और दिस प्लाक रिएक्ट्स विद द शुगर, ये प्लाक जो है वो शुगर से रिएक्ट करती है प्रेजेंट इन द फूड जो भोजन में उपस्थित होता है ना शुगर, उससे ये रिएक्ट करती है और टू प्रोड्यूस एसिड, और इससे क्या बनता है, एसिड बनता है। द एसिड इफेक्ट्स द टूथ इनेमल्स, और ये जो एसिड होता है ये हमारे दंत वलक जो होते हैं उनको प्रभावित करता है, उन पर इफेक्ट डालता है एंड स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग इट, और दांतों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। यह जो एसिड बनता है, एसिड किस कारण बनता है, ये जो चिपचिपी परत हमारे दांतों के चारों ओर जम जाती है ब्रश नहीं करने के कारण, ये धीरे धीरे जो है वो हम जो भी खाना खाते हैं उसमें जो शुगर होती है उससे रिएक्ट करके एसिड बनाती है, और ये एसिड जो है वो हमारे दांतों को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, और इसको जो है वो दांतों का सड़ना कहते हैं। इट क्यूजेज होल्स और कैविटीज इन द इनेमल्स, और इसी के कारण जो है वो होल्स यानी दांतों में छेद हो जाते हैं, या जिसको हम कैविटीज बोलते हैं, इन द इनेमल्स यानी दंत वलक में जो है वो कैविटी हो जाती है, होल हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है, द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स इन द प्लप
गेट एक्सपोज्ड, और इसके कारण जो है वो जो हमारा ये जो एसिड बनता है इसके कारण जो है होल हो जाती है, कैविटी हो जाती है एनिमल्स में, दंत वलक में, और इसका रिजल्ट ये होता है कि दांत की जो गुदा होता है, प्लप होता है, उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है और नर्व्स होती है वो धीरे धीरे जो है वो एक्सपोज्ड हो जाती है, यानी अनावृत हो जाती है, वो खुली हो जाती है। कहने का मतलब अनावृत का मतलब खुली होना। व्हेन एनी कोल्ड और हॉट थिंग कम इन कॉन्टैक्ट विथ दीज एक्सपोज्ड नर्व्स, और उसके बाद में जब हम कोई भी ठंडी चीज़ खाते हैं या बहुत थोड़ी गर्म चीज़ खाते हैं और वो कनेक्ट हो जाती है, कॉन्टैक्ट हो जाता है उस गर्म या ठंडी चीज़ का इन खुली हुई नर्व से, वी फील पेन और टूथेक, तो हमें दर्द या दांतों का दर्द महसूस होता है। थस टूथ डीके क्यूजेज द फॉलोइंग, तो इसके कारण जो है दांतों का सड़ने के निम्नलिखित कारण होते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जब हम ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांतों के चारों ओर जो है वो थिन स्टिकी लेयर जम जाती है, एक पतली सी चिपचिपी परत जम जाती है, और फिर ये परत जो है जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो शुगर होता है उससे ये रिएक्ट करते हैं और एसिड बनाते हैं, और ये एसिड जो है वो हमारे जो टूथ एनिमल्स होते हैं दंत वल्क उनको क्या कर देता है, उनमें होल कर देता है, कैविटी हो जाती है, और उसके बाद में जब भी हम कोई ठंडी या गर्म चीज़ खाते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स होती है वो एक्सपोज्ड हो जाती है, खुली हो जाती है, और ठंडी और गर्म चीज़ का स्पर्श होते ही हमारे दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो दांतों के दर्द के जो कारण हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। टूथेक क्या होता है दांतों के सड़ने से, टूथेक दांतों में दर्द होता है। होल्स और कैविटीज इन द टीथ, दांतों के अंदर कैविटी या होल हो जाते हैं। फॉल स्मेल फ्रॉम द माउथ, हमारे मुंह के अंदर गंदी स्मेल आती है। लॉस ऑफ टीथ, दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। स्टोमक डिसऑर्डर और पेट से संबंधित परेशानियां भी हमारे अंदर आ जाती है। तो ये जो है दांतों के सड़ने से निम्नलिखित जो हैं वो प्रॉब्लम्स हमें इनको फेस करना पड़ता है। आगे है केयर ऑफ टीथ, दांतों की हम केयर कैसे करें, किस प्रकार हमारे दांतों का हम लोग हैं वो ध्यान रखें। टीथ आर ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दांत हमारे बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ, इसलिए हमें हमारे दांतों का ध्यान रखना चाहिए। टू प्रिवेंट टूथ डिके, ताकि दांत जो है वो हमारे सड़े नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें। फर्स्ट है वी मस्ट ब्रश ओवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, दिन में कम से कम दो बार हमें ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, सुबह उठते ही और रात्रि को, बिफोर गोइंग टू बेड सोने से पहले, यानी जब रात को हम सोएं उससे पहले हमें दांत साफ करने चाहिए और सुबह उठते ही करने चाहिए। वी शुड ब्रश ओवर टीथ बाई फॉलोइंग द करेक्ट मेथड एज शोन बिलो, और हमें जो ये मेथड दिया है दांतों को साफ करने का इसके अकॉर्डिंग हमें हमारे दांतों को ब्रश करना चाहिए। यहाँ पर करेक्ट मेथड दिया है दांतों को कैसे साफ करें, जैसे फर्स्ट वन है आउटसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ, ऊपर के दांतों का बाहर वाला जो सरफेस है वो साफ करना चाहिए। इस शेप में यूज ए डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन, यानी डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन का यूज करना है ब्रश का, ये फेस नीचे होना चाहिए, इस वे में एरो करके भी दिखाया गया है। सेकेंड है इनसाइड सरफेस ऑफ अपर टीथ, ऊपर के दांतों का इनसाइड सरफेस, तो यूज ए डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन, यानी डाउनवर्ड स्वीपिंग मोशन का यूज़ करना चाहिए। थर्ड है आउटसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ, नीचे के दांतों का जो बाहर का पोर्शन है सरफेस है उसे साफ करना, यूज एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन, तो स्वीपिंग मोशन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन का यूज़ करना चाहिए। फिर है फोर्थ इनसाइड सरफेस ऑफ लोअर टीथ, नीचे के दांतों का अंदर वाला जो है इनसाइड सरफेस है उसे साफ करना, यूज एन अपवर्ड स्वीपिंग मोशन, अपवर्ड स्वीपिंग मोशन यानी ऐसे ऊपर की तरफ जैसे एरो करके दिखाया गया है उस वे में। फिफ्थ है सरफेस ऑफ प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, मोलर्स और प्रीमोलर्स का सरफेस है उसे साफ करना चाहिए, स्क्रब बैक एंड फोर्थ, तो इस वे में ये देखो एरो करके भी दिखाया है, इस वे में ऐसे ब्रश को हिलाते हुए हमें ब्रश करना चाहिए, करेक्ट मेथड है ये ब्रशिंग टीथ के। थर्ड वाला है दांतों की देखभाल का, वी शुड ईट रो वेजिटेबल्स, हमें कच्ची वेजिटेबल्स जो होती हैं एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल्स कैरेट एंड रेडिश, यानी हमें एप्पल्स कैरेट और रेडिश यानी सेव गाजर और मूली जो है वो कच्ची खानी चाहिए। दे मेक ओवर टीथ एंड गम्स स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कच्ची सब्जियां जो होती है वेजिटेबल्स होती है या फ्रूट्स होते हैं उनसे हमारे दांत जो होते हैं उनके मसूड़े मजबूत होते हैं।
फोर्थ है वी शुड अवॉइड स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। हमें जो मिठाइयाँ होती है और चॉकलेट्स जो होती है उन्हें अवॉइड करना चाहिए, यानी कम से कम यूज़ करना चाहिए इनका। दे स्पॉइल ओवर टीथ, क्योंकि ये हमारे दांतों को स्पॉइल कर देती है, नष्ट करती है या कमज़ोर करती है हमारे दांतों को, ज़्यादा मिठाई या चॉकलेट्स, इसलिए कम से कम यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बताई गई है कि इसमें जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा चॉकलेट्स या मिठाइयाँ खाते हैं, तो उससे हमारे दांतों पर जो है वो बुरा प्रभाव होता है। फिफ्थ है वी शुड विजिट ए डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स, यानी हर 6 महीने से हमारे डेंटिस्ट के पास एक बार जाकर आना चाहिए, दांत का जो डॉक्टर होता है उसे चेक करवाने चाहिए। टीथ दैट आर नॉट केप्ट क्लीन गेट कवर्ड विथ ए येलो सब्सटेंस, यानी टीथ दैट आर नॉट केप्ट क्लीन, ऐसे दांत जो क्लीन नहीं हो पाते हैं या जिनको हम क्लीन नहीं कर पाते हैं, गेट कवर्ड विथ ए येलो सब्सटेंस, वो एक पीली परत से जो है वो कवर हो जाते हैं, हमारे दांत कवर हो जाते हैं, कॉल्ड टार्टर, जिसको हम टार्टर बोलते हैं, यानी दांत का मेल बोलते हैं, जो दांत के ऊपर पीली रंग की परत दिखाई देती है उसको। दिस इज़ रिमूव्ड बाई ए डेंटिस्ट, ये डेंटिस्ट जो होता है, हमारे दांतों का डॉक्टर होता है, उसे रिमूव करवा लेनी चाहिए, ये भी हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, दांत का मेल, जिसको टार्टर बोलते हैं। फिफ्थ सेवन्थ है वी मस्ट फ्लॉस आवर टीथ एवरी डे, रोज़ाना हमारे दांतों को जो है वो हमें फ्लॉस करना चाहिए। फ्लॉस का मतलब होता है दांत का मेल निकालने का या दांत साफ करने का एक धागा होता है, दांतों के बीच में जो जगह होती है उसमें खाने के कुछ पार्ट्स जो है वो जमा हो जाते हैं, तो उन्हें निकालने के लिए फ्लॉस आता है, उसका यूज़ हमें रोज़ाना करना चाहिए, हमारे दांत उस धागे से साफ करने चाहिए। डेंटल फ्लॉस इज ए पीस ऑफ स्ट्रिंग दैट इज मूव्ड बैक एंड फोर्थ थ्रू द स्पेसेस बिटवीन आवर टीथ, यानी जो डेंटल फ्लॉस होता है, एक जो दांत का मेल निकालने का एक धागा होता है, पीस ऑफ स्ट्रिंग, ये एक धागे का टुकड़ा होता है, दैट इज मूव्ड बैक एंड फोर्थ थ्रू द स्पेसेस बिटवीन आवर टीथ, हमारे दांतों के बीच में जो स्पेस होते हैं उनके बीच से जो बीच उनके बीच में जो भी फूड के बिट्स जो होते हैं वो निकालने के काम में आता है। फ्लॉसिंग रिमूव्स द फूड दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ब्रशिंग, यानी जो भोजन हमारे ब्रश करने के बावजूद दांतों के बीच की जगह में रह जाता है, रिमूव नहीं हो पाता है, उसको निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो स्टडी करने जा रहे हैं वो टंग, हमारी जीभ के बारे में, हमारी टंग। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन ए ग्लास ऑफ प्लेन वाटर एंड ए ग्लास ऑफ साल्ट वाटर बाई जस्ट लुकिंग एट देम और बाई स्मेलिंग देम, यानी क्या आप जो है वो टू ग्लास जो है जिसमें एक में प्लेन वाटर है और एक में जो है वो सॉल्ट वाटर यानी नमक का पानी है, उसे आप केवल देखकर या स्मेल करके उनमें जो है वो अंतर बता सकते हो या अलग कर सकते हो कि ये ग्लास जो है वो सॉल्ट वाटर का है और ये प्लेन वाटर का है, या उन्हें अलग कर सकते हो? तो हम दोनों गिलास को केवल देख कर या स्मेल करके अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जिस वाटर में जो है वो सॉल्ट मिला हुआ होता है वो भी जो है वो प्लेन वाटर की तरह ही दिखाई देता है। यू नो दैट, आप जानते हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, केवल देख कर दोनों गिलासों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन सा प्लेन वाटर का गिलास है और कौन सा नमक के पानी का गिलास है। The only way to tell them apart is by testing the two solutions. The only way, केवल एक ही रास्ता है to tell them, हमें बताने का, apart is by testing, और वो है testing, यानी हम चक्कर बता सकते हैं the two solution, दोनों के बारे में, कि कौन सा plain water है और कौन सा नमक का पानी है। The tongue is therefore an important sense organ for taste. तो हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, उसमें एक इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन होता है टेस्ट का, यानी हम कोई भी चीज़ है वो टेस्ट करके हमारी टंग के द्वारा ही बता सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो किस टाइप की है, मीठी है या नमक वाली है या चटपटी है, जो भी है
वो हम टंग के द्वारा ही बता सकते हैं। तो टंग जो है वो हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसमें एक इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑर्गन होता है। यू ऑलरेडी नो दैट द सर्फेस ऑफ द टंग हैज़ मैनी टेस्ट बड्स। हम पहले से जानते हैं, प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है कि हमारी टंग जो होती है उस पर बहुत से प्रकार के टेस्ट बड्स होते हैं जीभ के ऊपर। देर आर फोर काइंड्स ऑफ टेस्ट बड्स। इसमें चार प्रकार के टेस्ट बड्स हमें दिए हुए हैं। स्वीट टेस्ट बड, ये हमें बताता है कि ये वस्तु मीठी है या नहीं है, यानी इससे मीठे का पता चलता है। शोर, बिटर एंड साल्टी। तो इन टेस्ट बड्स के द्वारा, जिसमें स्वीट, शोर, बिटर एंड साल्टी, यानी मीठा, खारा, कड़वा और नमकीन, इन टेस्ट बड्स के द्वारा हमें ये स्वादों का पता चलता है। मीठे स्वाद का, खारे स्वाद का, कड़वे का और नमकीन का। दीज हेल्प अस टू टेस्ट द फूड। और ये टेस्ट बड जो है वो हमें फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यू ऑलरेडी नो हाउ दीज टेस्ट बड्स वर्क। और हम आप पहले से जानते हो, प्रीवियस क्लास में आपने स्टडी किया हुआ है कि ये काम कैसे करते हैं। ट्राई टू होल्ड योर टंग एंड स्पीक। आप ट्राई करो अपनी जीभ को होल्ड करने का, पकड़ने का, एंड स्पीक, और बोलने का प्रयास करो अपनी जीभ को रोक कर। यू फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। आपको पता लगेगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, हम बिना जीभ को पकड़ कर या जीभ को होल्ड करके बोल नहीं पाते हैं। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर एंड स्पीक। एक मिरर के सामने खड़े होकर आप बोलिए। यू सी, आप देखेंगे, योर टंग रोल व्हेन यू स्पीक। आपकी टंग जो है वो रोल होती है, यानी घूमती है। व्हेन यू स्पीक, जब भी हम बोलते हैं तो हमारी जीभ भी हिलती है, रोल होती है। दिस रोलिंग एक्शन ऑफ द टंग हेल्प्स यू टू प्रोनंसेंस द वर्ड्स करेक्टली। यानी ये जो रोलिंग एक्शन होता है हमारी जीभ का, यही हेल्प करता है यू टू प्रोनंसेंस द वर्ड्स करेक्टली। यानी जो भी वर्ड हम बोल पाते हैं उनको क्लियरली बोलने में हमारी जीभ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। द टंग देयर फोर प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन स्पीकिंग। इसलिए जो टंग होती है, जीभ होती है, वो बोलने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी जीभ भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक पार्ट है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं को, जो भी हम फूड खाते हैं, उसको टेस्ट कर पाते हैं। इसके अलावा बोलने में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके बिना जीभ के हम ढंग से या क्लियरली बोल नहीं पाते हैं। तो ये हमारा लेसन था टीथ और टंग से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो देखते हुए अपनी बुक से ये लेसन रीड करना है और इस लेसन को समझने की कोशिश करनी है। इस लेसन का बुक पार्ट और नोटबुक पार्ट का जो भी वर्क होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।